हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा चावड़ा। तो भाई मैं इस टाइम जा के रेडी हो चुका हूँ भाई। टाइम तो इस टाइम शायद 8:15 या 8:30 हो जाती है ऐसे देखता हूँ। तो बाहर भी से खाने का यार टाइम तो मेरे साथ 8:23 हो रखी है। कल जा के भाई मैं लाल चुका अपनी भाई फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ पापा के साथ। हेलमेट मैंने उठा लिया, पापा बाहर चले गए, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। ओ मम्मी मैं पास हो गया। माँ मैं आ गया, माँ मैं पास हो गया। आ गया बहन भाइयों को खबर भी दे दी ये। रोटी बनाओ मेरे लिए, भूख लगी मेरे को। रोटी बनाओ यार जल्दी। आलू है रोटी दो मेरे को। बस काके अधिक साल हो रहे हैं, उसके बाद मेरा काका भी गया था बाहर। पापा गया तो वहीं से वही काम से ही चला गया सीधा स्कूल में। सबसे पहले स्कूल में मैं पूछा, सबसे पहले कोई भी नहीं था। तेरी मैडम भी नहीं आई थी क्लास में उस टाइम। तो मैडम रिजल्ट लेके बाद में आई थी। खैर जट पास है, रोटी खाऊंगा। खतरे वाला काम होता है तैयारी में। अपुन को खतरा नहीं है क्योंकि अपुन का रिकॉर्ड है कभी फेल ना होने का। भाई पापा बजा रहे हैं ढोलकी। ये बुआ बैठी है, मम्मी बैठी है। जाएंगे राम आएंगे। कितने साल जागरण करे आप आपने? जागरण 25 साल जागरण किया है। 25 साल 25 ईयर। और पापा ने नेहा कक्कड़ के साथ करी है। हाँ नेहा कक्कड़ के साथ ही मैंने जागरण किया है। जब वो छोटी सी थी, ऋषिकेश से आती थी वो, उस टाइम उसकी उम्र होगी 14 साल 13 साल 14 साल। उसकी बहन भी आती थी साथ में। उसकी बहन का क्या नाम था? और उसकी बहन थी उसका भाई है, उसका तो भाई है। नहीं उसकी बहन भी थी, दोनों बहनें आती थी। नाम तो मेरे दोनों बहनें आती थी। और उस टाइम 500 रुपये मिल जाती थी, 500 रुपया जगराते पे गाने के लिए 500 रुपये लेती थी। दोनों बहनें आती थी, ऋषिकेश रहती थी उस टाइम। दो मैं आ जाऊंगा, मेरे को सीखने दो। आज भाई सारा दिन मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, चाय गर्म चाय। और हाँ भाई ये कहा जाता है 23 अप्रैल को जन्मोत्सव है और मैं शायद वापस बर्तों पर बैठूंगा अपना। इस बार चार बजे उठाऊँगा क्योंकि मेरे को फ़ोन आ गया था 2-3 दिन पहले। तो मैंने उस टाइम उनको बोल दिया मैं 2-3 दिन बाद बताऊँगा। तो वैसा मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि मैं बैठूँगा बर्तों पर। बाकी शायद 19 को बैठना है और 23 को शायद बनना है, 23 अप्रैल को। उस दिन बड़ा मज़ा आता है, कम से कम प्यार रखने की जरूरत लगती है। उस दिन बहुत भीड़ रखती है और यात्रा में यहाँ देवी मंदिर पानीपत का सिद्ध प्राचीन देवी मंदिर। तो भाई मेरा ना अचानक से प्लान बन गया मूवी जाने का। तो दोस्त का फोन आया था, पूछ रहा मूवी चलना। मैंने कहा चल भाई, पर मैंने कहा पंजाब भी चलूँगा। तो कोई पता नहीं कोई पंजाबी लगी तो वही है। कहीं अरे जा रहा हूँ उससे, घर ही जा रहा हूँ बस। 2:30 बजे का शो है, 1:15 हो गया, 15 मिनट पड़े बस, पर जा रहा हूँ। अरे मूवी का नाम क्या है? जटनू चुड़ैल टकरी। चुड़ैल टकरी नाम ही कैसे कहते हैं टकर गई। जटनू चुड़ैल टकरी लास्ट मूवी अपनी मैं कौन सी देख के आया, मेरे को याद नहीं। तूने कदर देखी थी? हाँ उसके बाद वो देखी थी हनुमान। हाँ हनुमान देखी थी। मॉल किस एंगल से लगता है? देखिए यार पूरा मॉल सुनसान है, ना कुछ बन रहा ना खाली खाली थिएटर दे रखा है बस यहाँ पर। अरे भाई सीढ़िया देखो भाई साहब, क्या गंद पा रखा। अच्छा वाला एक फ्लोर अभी और ऊपर चढ़ो, इतनी दिमाग खा गए यार। खाली कुर्सियाँ डंकी ना मिल जाए, मार दूंगा साड़ो गए।
देखो पूरा नीचे देखो भाई साहब, पूरा अभी ये बन रहा है, कितना टाइम तक ये बंद है ये भाई साहब। खैर अभी सिनेमा में जाकर देखते हैं। एंट्रेंस काफ़ी अच्छे है देखो, यहाँ से आप यहाँ से अंदर जाना है भाई साहब। ए सी चल रहा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो घर भी ऐसे चालू हो गया भाई, क्या हो गया अंकल, रात ऐसे लागे बैठा था मैं। कहाँ से देखो A1 A2 देख कहाँ पे आती है। बैठ जाओ कहीं भी, नंबर नहीं लिख रखा कहीं भी। उधर आ जा यार, उधर साइड आ जाना है, उधर साइड बस बैठ जाओ, देख ले फिर इधर ही बैठना पड़ेगा। एंड क्या सीटों का इनका बड़ा होता है यार, पहले रुईया देखा का गुस्सा रख क्या यार, खाली नीचे नीचे कूलिंग थी, यहाँ तो गर्मी कर रखे है, एसी चला दे रहे हाँ यहाँ से आई, कोई ना हो जाएगी यार अभी कूलिंग, यार हो जाएगी कूलिंग। आवाज भी कम खोल रखे, आवाज भी नहीं खोलते यार, ये तो चीख चीख के बोल दे भाई आवाज खोल दे यार। सॉरी मूवी तो यार मतलब बढ़िया थी, मतलब हंसी मजाक बहुत था, पर एंड का सीन यार काफी इमोशनल हो गया था, वो चली गई थी उसको छोड़ के, जट ने चुड़ैल टकरी ये नाम है। अच्छा मम्मी माँ भूख लगी है दे दो, बहुत जटर भी गड़ गया भाई साहब, पूरी भूतनी बना रखा उसको जो मेरे ख्याल से इसका नेक्स्ट पार्ट ही आएगा, क्योंकि लास्ट में ना जो उसके अंदर सीन दिखा था उसके अंदर ये भूतनी आ गई थी, पता नहीं अब क्या था चुड़ैल। तो मैं यार मैं फिलहाल जा रहा हूँ बाहर अपना काम से, फोन आ गया है बाहर जा रहा हूँ। भाई पहुँच गए यार मैं घर, तू ही आ गई, तेरी ऐसी की तैसी, मारेगी मारेगी क्या लगाऊं, बता दे भैया को, बताए बोनी चूजी, ए चूजी कृष्णा को बता, देखना छोटी सी बंदरी लग रही है बैठी हुई बस वहाँ पे, बता दे कृष्णा को, शेर बना हुआ है, बता इसको क्या लगा दीदी, पैपो भी, हेलो पैपो भी क्या होता है, पैपो भी वो देखती है, ये भी वही बोल रही है लगा, इनका पता नहीं कार्टून ही खत्म, ना ही पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो, पैपो पी इसको कौन छोड़ गया, एक सोई पड़ी है तो एक बैठी हुई है, ये है क्या पैपो पी, पेपा पीज पैपो पी, ये देखना शेक बनाओ, ये देखना है, ये देखना है, ये बटकी पैपे भी देखना, पैपे भी यानी क्या कैसे कैसे नाम है। तो भाई मैं गया था अपने दोस्त के साथ, उसका फोन आता था जो अपना, तो मैं गया था उसके साथ बाहर, उसने बुलाया था तो बस आप घर आ रहा हूँ, मैंने घर से निकाल गया था, मिनट खोले क्या, इधर आ बे, मता देख ले। तो भाई कैसी लगी मेरी एक्टिंग, मस्त थी ना, कमेंट कर देना मूवी में जाने लायक हूँ ना, और क्या हो तो मेरे को पता, मैं हूँ ही सही। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मम्मी मैं पास हो गया।